क्या आप लोग जानते हैं वजीर ने लिस्ट फाइव कॉइन्स अपने प्लेटफॉर्म पे हेलो एवरीवन वेलकम टू फिल्म आज बात करेंगे, वजीर ने जो की है, अपनी पे साथ ही साथ देखेंगे कि क्या है इनके फीचर्स एंड किस तरह वो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं किस पेयर के साथ वो आए हैं एंड और भी सारी बातें आप सभी के लिए जाननी बहुत ही ज्यादा जरूरी रहेंगी सो बी विद ऑफ वीडियो सो दैट यू कैन गेट ईच एंड एवरी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो सबसे पहले हम बात करते हैं बाउंस टोकन की जो लिस्ट हुआ है वजीरक्स पे आप उसको बाय कर सकते हो सेल कर सकते हो ट्रेड कर सकते हो उस ऑक्शन टोकन को यू मार्केट पे अगर मैं बात करूं बाउंस के बारे में कुछ और तो ये एक डिसेंट्रलाइज ऑक्शन प्लेटफॉर्म है जो इथीरियम और बाइनेंस की स्मार्ट चेन इन पर बना है उसकी ज़्यादा वैल्यू है कि वो इनको करे लिक्विडिटी को माइनिंग को एंड गवर्नेंस एंड यहाँ पर लेंडिंग मैकेजम भी काम करता है स्टेकिंग मैकेनिज्म एंड साथ ही साथ डिसेंट्रलाइजेशन पे भी फोकस है बात कर रही हूँ इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई की तो वो है टू मिलियन एटी थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड फिफ्टी फाइव ऑप्शन की एंड जो इसकी मैक्स सप्लाई टोटल सप्लाई है वो है टू मिलियन एटी थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स ऑप्शन की कहीं कही ना कहीं ये मैच होने वाले हैं बहुत ही कम गैप रोया गया है बात करते हैं थोड़ी और बाउंस टोकन के बारे में तो ये पार्ट है उनकी रैपिड लिस्टिंग इनिशिएटिव का ही तो आप स्टार्ट कर सकते हो ऑक्शन की ट्रेडिंग एंड अपने जो डिपॉजिट्स हैं उनको अनेबल कर सकते हो वजी एक्स पे वी आर सो अगर आपको डिपॉजिट करना है तो आप डिपॉजिट कर सकते हो ऑक्शन को अपने बाइनेंस वॉलेट से वजीर एक्स पे एंड आप ट्रेडिंग कर सकते हो इसकी बाय कर सकते हो सेल कर सकते हो ट्रेड कर सकते हो ऑक्शन को यूएसडी मार्केट में एंड और जब आप उसको डिपॉजिट कराओगे आपके फंड में अवेलेबल हो जाएगा जो विड्रॉल्स की टर्म्स है वो आपको सुन जब ये लिस्ट हो जाएगा उसके बाद आपको देखने को मिल सकती है बात करते हैं सेकंड कॉइन की तो वो है ऑटोमेटा नेटवर्क ये भी लिस्ट हुआ है वजीरक्स पे आप इसको बाय कर सकते हो सेल कर सकते हो ट्रेड कर सकते हो ए टी टोकन को यूएसडीटी मार्केट पे बात करते हैं ऑटोमेटा के बारे में तो ये एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूट प्रोटोकॉल है जो इम्पावर बना हुआ है वेब थ्री पॉइंट पे और बिजनेस पे ताकि ज़्यादा प्राइवेसी दी जाए एंड फ्रिक्शन लेस हो सके इसका ज़्यादा फोकस ये है मिशन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना जो जरूरी है एक सीन

ट में एंड जब आप उसको बाय करोगे तो आपके पंच में अवेलेबल अपीयर हो जाएगा विड्रॉल की जो टर्म्स हैं वो आपको इसकी लिस्टिंग के बाद अवेलेबल हो जाएंगी थर्ड जो है वो है न्यू साइफर तो ये जो न्यू साइफर है वो लिस्ट हुआ है में को बाय सेल ट्रेड कर सकते हो इसका जो तो टोकन है एनयू को यूएसडीटी मार्केट पे ये जो न्यू साइफर है ये एक प्राइवेसी पे ज्यादा ध्यान देता है एस कंट्रोल रहता है एंड ये की मैनेजमेंट सिस्टम पे ज्यादा ध्यान देता है एंड प्राइवेसी सर्विस बनाई रखना पब्लिक ब्लॉक के लिए ये ऑफर करता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड डाटा शेयरिंग मीन वो सिर्फ प्राइवेट रहेगा पब्लिक ब्लॉक पे एंड एंड प्रोवाइड करता है डिसट्रलाइज स्टोरेज सोल्यूशन तो बात करते हैं इसके सर्कुलेटिंग सप्लाई की तो वो हो सकती है सिक्स एटी सेवन मिलियन एन यू की साथ ही साथ जो टोटल सप्लाई है वो हो सकती है, uh, so है ये ये पार्ट है तो आप इनकी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो अपनी डिपोजिट कर सकते हो वजीरक्स में वीर बाइनास डिपोजिट करा सकते डिपोजिट करा सकते हो अपने एनयू को बायस वॉलेट से सीधा वजीरक्स एंड ट्रेड कर सकते हो बाय कर सकते हो सेल कर सकते हो एन यू को

लेकिन इसका कोई भी फ्रंट एंड इंटरफेस नहीं है यूएसडी मार्केट में बाय कर लोग सकते हो उसको जब विद्रॉल uh, टर्म जो होंगे अवेलेबल हो जाएंगे तो बात करते हैं लास्ट कॉइन की जो अवेलेबल लिस्ट हुआ है वजीर पे वो है सिस कॉइन जो अवेलेबल हुआ है आप उसको ट्रेड कर सकते हो सेल कर सकते हो एस वाई एस टोकन को यूएसडीटी मार्केट पे तो ये जो सिस कॉइन का प्लेटफॉर्म है ये एक फुल लेयर वन और लेयर टू का ब्लॉकचेन सॉल्यूशन है जिसको बनाया गया है कंबाइन करते हुए इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी है उनको कंबाइन करते हुए ताकि जो एप्लीकेशन है कटिंग एज एप्लीकेशन जो है उनको सपोर्ट किया जा सके वो भी एक नेटवर्क पे इस प्रोजेक्ट का मेन गोल है कि एक प्रोटोकॉल बनाना जो ट्रांसफॉर करे ट्रांसफॉर्म करेगा ब्लॉकचेन का एक्सपीरियंस को एंड बिटकॉइन और इथेरियम है उनको कॉम्प्रोमाइज करके एक बेस्ट चीज़ बनाएगा ये जो सिसकॉइन है ये भी इनकी रैपिड लिस्टिंग इनिशिएटिव का पार्ट है इसकी आ, आप ट्रेडिंग कर सकते हो अपनी जो डिपोजिट है उनको इनेबल कर सकते हो वजीर पे विया बाइनेंस आप जब इसको डिपॉजिट कराओगे बाइनेंस वॉलेट से वजीर पे तो आप यहाँ पर सेलिंग ट्रेडिंग

सो so, ये थे फाइव न्यू कॉइन्स जिनकी लिस्टिंग हुई है वजीर पे तो हाल ही में हमने एक न्यूज़ देखी थी जहाँ पर वजीर ने अपना सिक्स क्वार्टरली बर्न कंप्लीट किया था एंड हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सिक्स क्वार्टरली बर्न कंप्लीट हुआ है एंड यहाँ पे फाइव कॉइन्स की लिस्टिंग हुई है तो उसका वजीर के प्राइजेस पर क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता है तो ये सारी चीज़ें हमें अपकमिंग टाइम में इन पर नजर जरूर रखना है सो वी विल कम अगेन इन्फॉर्मेशन टूड एंड फॉलो फिन स्ट्रीट फॉर मोर